मुझसे होगा। मैं आपको नहीं कह सकता कि आप नेकी का आगाज करें, फिर आप उनसे कहें, वो उनसे कहें, वो कैमरामैन से, फिर बूम ऑपरेटर, फिर मेरी बारी। इस तरह से नहीं होगा। आगाज मुझे अपनी जात से करना पड़ेगा। और जो बैठे हुए होते हैं इक्तदार में, उनकी जिम्मेदारी क्या है? अरबी का मुहावरा है कि अन्नास आला दीन मुलुके हैं, कि जो लोग हैं वो अपने बादशाहों के तौर तरीके के मुताबिक अपना तौर तरीका कर लेते हैं। और अगर जो जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तदार और इख्तियार दिया, वो समझे कि मैं एक ऐसी डाली हूं कि मेरे ऊपर फल लग गया, मुझे झुक जाना चाहिए, तो फल तो मिलेगा ना फिर। लेकिन फल जब मिलेगा, उसमें जो बेसिक नुक्ता है वो ये है कि जब आप सबमिट करेंगे अपने आप को, आप और मैं और बाकी सब लोग सबमिट करेंगे टू द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। Will of the people and the collective wisdom is always shown by the parliament throughout the world. जो लोगों का इज्तमाई शऊर है, उसका इजहार कहाँ होता है? जलसे में तो नहीं हो सकता, जुलूस में भी नहीं हो सकता, नारे में भी नहीं हो सकता, और किसी स्टूडियो के अंदर भी नहीं हो सकता, वो पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है। उसके लिए पूरी एक्सरसाइज होती है, इलेक्टोरल लिस्ट बनती है, उसके बाद उम्मीदवार आते हैं, खरबों रुपए लगाती है पूरी कौम 5 साल, और उसके बाद जाके लोग मुंतखब हो जाते हैं। जब मुंतखब हो जाते हैं तो मैंडेट उनके हवाले हो जाता है, बदयंती करें तो उनका रास्ता रोको, उनका हाथ पकड़ो, उनका गरीबान पकड़ो और उनको तगड़ा करो, ये भी तो आपका फर्ज है। सही है, लेकिन इसमें एक और चीज मुझे जरा पूछनी है, वो और वो ये कंसर्न है एक आम आदमी का कि हमारे यहाँ जो होता रहा है एक रिश्वत का कल्चर, एक सिफारिश का कल्चर, ये दोनों चीजें जो है ये हैंड इन हैंड चलती हैं। जहां पर रिश्वत नहीं चलती वहां पर सिफारिश चल रही होती है, जहां पर सिफारिश नहीं चल रही होती वहां पर रिश्वत चल रही होती है, कई जगह पर दोनों चल रही होती है। ये जो चीज है जिसे आपने पहले बात की कि हकदार का जो हक है वो फंडामेंटल राइट्स में से है और वो अश्योर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो चीज है ये कैसे मेक श्योर की जाएगी कि ये आइंदा हमारे सिस्टम में अगर चले मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं तो कम अज कम सही रास्ते पे तो डाल सके। इसके लिए तीन बातें, एक तो ये मैं लेट अस शेयर दिस विद योर व्यूअर्स कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेटर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर, एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज, एक एजेंडा फॉर चेंज तैयार किया है कि हम किस तरह से ये सारा कल्चर बदलें, कैसे तब्दीली लाई जाए। ये जो सवाल आप मुझे कर रहे हैं ये तो आप तो बहुत नर्म लहजे में कर रहे हैं। जब हम जलसों में जाते हैं, लोगों के घर वोट मांगने के लिए जाते हैं, जुलूसों में जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, तो लोग बहुत सख्त लहजे में अपनी अपनी जुबान में और इलाकाई लहजे में ये सवाल करते हैं, और बिल्कुल दुरुस्त करते हैं, उनका हक है ये सवाल करना। एक पहलू ये हो गया इसका। दूसरा यह कि दो इदारों में आपको बड़ी बुनियादी तब्दीली लाने की जरूरत है। आई एम पार्ट ऑफ दैट सिस्टम सो आई कैन शेयर इट विद यू। नंबर एक, देखिए दुनिया में जहां दयानतदाराना तफ्तीश है वहां जुल्म कम हो जाता है, और दयानतदाराना तफ्तीश वहां है जहां सियासी असर और सूख नहीं है तफ्तीशी इदारों के ऊपर। और अगर पुलिस वाला ये देखेगा कि मुझे भर्ती इसने करवाया था, मेरी ट्रांसफर इसने करवाई थी, मेरी प्रमोशन इसने करवाई थी, वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है, उसको भी आंखें खोलनी चाहिए, और जो मुदाखलत करते हैं उनको भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। दिस इज नंबर वन। दूसरा, पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ अदलिया मुकम्मल तौर पे आजाद कभी नहीं रही, और उसकी बेशुमार वजूहात हैं, उसके लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। मैं शॉर्ट करके वो दो बातें बयान कर देता हूं। एक तो अदलिया की आजादी एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक, और उसको एक तो अदलिया को फिजिकली आजाद करने की जरूरत है कि उनके मुआशी तौर पे वो इंतजामिया के कंट्रोल में ना हो। दूसरा, उसके ऊपर सियासी और हुकूमती और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का असर और रसूख ना हो। और तीसरा, जजों की अपॉइंटमेंट ऐसी हो कि वो जज हों जो ये समझें कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है इंसाफ, उसका कुछ हिस्सा मेरे लिए वदियत कर दिया गया है, अब जब ये खुदाई सिफत लेकर के मैं बैठा हूं तो मैं इंसाफ के अलावा कुछ और सोच नहीं सकता। इसके लिए एक ट्रेनिंग का सिस्टम भी जजेस के लिए जरूरी है। इस वक्त बदकिस्मती के साथ अगर मैं वकालत छोड़ के कल जज बनना चाहूं तो मुझे ट्रेनिंग कोई नहीं करवाएगा। कल से मैं फैसले कर सकता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ के फैसले शुरू कर दूंगा या हाई कोर्ट में बैठ के मैं फैसले शुरू कर दूंगा। दिस इज नॉट ऑन। मेरी तरबियत है पिछले 25 साल से बतौर वकील, जज का काम मुख्तलिफ है मुझसे, ठीक, मेरी ट्रेनिंग का कोई इंतजाम होना चाहिए। फिर अगर कोई वो जो फील्ड में लिखने वाले जिनको कहते हैं सफेद पोश एहलकार, उनकी सिफारिश के ऊपर अगर किसी की फाइल क्लियर होनी है तो फिर इसी तरह के फिर जज लगेंगे जिनके ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी।
इस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है जिसको अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस हम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जजेस और जुडिशरी के लिए उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनकी हद कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है दूसरे इदारों की तरह। जब हम ट्रांसग्रेस करेंगे, हम गिला करते हैं कि जी फौज आ गई, अपना काम छोड़ के आई ना, सही, किसी और के कोई और इदारा जब ये काम करेगा तो अपना काम तो समझे ना उसका गया। ये जरूरत इस बात की है कि जिस इदारे का जो काम है वो उसको संभाले। पाकिस्तान में मैं जब ये बात करने लगा हूं लोगों को समझ आ जाएगी कि कल्चर हो गया है, जिसका काम नहीं है वो जरूर कहता है अगर मुझे यहां आजमाओ तो मैं बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता हूं, जो काम खुद होता है वो नहीं करता। यस, अच्छा, लेकिन इसमें जो मेरिट की बात आई है, इसमें आपने इंसाफ की बात की है, इसमें सारी ट्रेनिंग की आपने बात की है, जो बेसिक चीज है खासतौर पर अवाम की सतह पर, अवाम ये चाहती है कि जो वादे किए गए हैं, जो कल्चर आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो उन्हें उसकी झलकियां जरा जल्दी जल्दी मिलनी शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर जो पहले 100 दिन है उससे भी पहले जो मैसेज आपका 100 घंटों में जाएगा वो ज्यादा क्रूशली इंपॉर्टेंट होगा और वही इंपैक्ट डालेगा एक आम आदमी के ऊपर। डू यू एग्री विद दिस? टोन सेट कर देगा कि आपने करना क्या है। आई एग्री विद यू, और मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी बात मैंने तो कम अज कम जाती तौर पर रजिस्टर की है, मेरे जहन में पहले भी है इस तरह की चीजें, और हम अपनी लीडरशिप से भी कोशिश करेंगे कि ऐसा ही रास्ता हम मुंतखब करें जो आवाम का रास्ता हो। और एक और चीज जो महसूस की जा रही है, मैं आपसे इसलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि आप वो काम करते रहे हैं और कर रहे हैं, वो ये कि पार्टीज जो हैं उनके अपने थिंक टैंक्स या उनके रिसर्च सेल्स या उनके इस तरह के इदारे विद इन द पार्टीज वो डेवलप करने की जरूरत है कि जो उनको पीछे से नए नए आइडियाज जो हैं वो फीड कर सके और उन आइडियाज की बुनियाद पर, उन कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पर पॉलिसीज में वो चेंज हो सके आगे जाके। आपने देखा कि जो मसनूई इमारतें कितनी कितनी बड़ी बनाई गई हैं और वो एक हवा का झोंका उनको लेके उड़ गया। पीपीपी का ये कल्चर नहीं है, पीपीपी की ये स्ट्रेटजी है कि आप नाम लें, मैं आपको बताता हूं कि कितनी पुरानी हमारी कौन सी कमेटी है। आप फॉरन अफेयर्स की बात करेंगे, कमेटी इज देयर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करेंगे, कमेटी इज देयर। इकोनॉमी की बात करेंगे, कमेटी इज देयर। लॉ कमेटीज काम भी कर रही हैं, ऑफ कोर्स, ऑलवेज इफेक्चुएटेड कमेटीज, ऑलवेज इफेक्टिव कमेटीज। और देखिए जो आज की जो ऑपोजिशन है उसके लिए मैं ये बात करना चाहता हूं कि अच्छी ऑपोजिशन दुनिया की पार्लियामानी तारीख पढ़नी चाहिए, ये मेरे लिए भी है, सारे पार्लियामेंटेरियंस को दुनिया की पार्लियामेंट की कार्रवाइयां पढ़नी चाहिए, अच्छे जो बोलने वाले हैं उनकी तकरीरें लेके देखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, अच्छे जो बात कहने वाले हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात को वो भी देखना चाहिए। इसके साथ साथ जो अच्छी ऑपोजिशन है उसकी खूबी ये होती है कि इट्स अ गवर्नमेंट इन वेटिंग, वो शैडो कैबिनेट बनाती है, वो तैयारी करती है, वो तैयारी करती है। हमारा कल्चर ऐसा है कि आप नाम नहीं ले सकते कि फुलां फुलां है, लेकिन कमेटी का नाम वैसा रख के आप वो काम ले सकते हैं ताकि लोगों को तैयार करवाएं, कल जब आने वाले वक्त में वो बिल्कुल अजनबी न लगे उस निजाम के अंदर, उनको पांव रखते हुए जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आखिर में मुझे सिर्फ मुख्तसर ये बता दें कि ये प्राइम मिनिस्टर के मामले में इतना स्टेलमेट क्यों चल रहा है? जो पीटीवी में जब आप या किसी और टेलीविजन नेटवर्क पे चलाते हैं ना जी कि फलां चीज आ रही है, तो आप स्क्रिप्ट नहीं बताते, एंड प्रोडक्ट देते हैं, तो आप सस्पेंस। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों का नुक्ता नजर ये है कि इजलास होने दीजिए, एंड प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। चले इंशाल्लाह ऐसा ही होगा और अल्लाह करे कि सब कुछ स्मूथ तरीके से हो जाए। डॉक्टर बाबू रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और बड़ी ही एब्जॉर्बिंग किस्म की नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, और जैसे मैं पहले कहा था कि पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों का कॉम्बिनेशन था, और अल्लाह करे कि हमारा जो मामला एक सुल्तानी जमहूर का है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ सके। और रबीउल अव्वल के हवाले से भी गुजारिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है मेरा मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुर्दम बतुमाए खेशरा तू दानी हिसाब कहूँ बेशरा। मुझे इस राकसानों को नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।